बॉर्न वाइल्ड ट्रैक्स, छोटे शहर के यंगस्टर्स की एक टीम जिन्होंने मेट्रोस के एमएनसीज के लुक्रेटिव जॉब्स छोड़कर अपने ही शहर में एक ट्रैकिंग एंड एडवेंचर एजेंसी खोली और बहुत ही कम समय में काफी ट्रैक्स और हाई अल्टीट्यूड एक्सपेडिशंस कंडक्ट किए। बॉर्न वाइल्ड ट्रैक्स की टीम मेंबर्स ने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से बेसिक, एडवांस, सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स करके प्रोफेशनल डिग्री हासिल की। हेलो, हम बॉर्न वाइल्ड टीम है। हमने यहाँ ट्रैकिंग फर्म खोली थी कम से कम 4-5 साल पहले, और हम उससे पहले सब अलग अलग जगह पे जॉब्स कर रहे थे एमएनसीज में। और मतलब हमें लगता था कि वहाँ पे हमारे जॉब में बिल्कुल हमें सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलता था, खुशी नहीं मिलती थी। ऑफिस के एक कमरे में बंद हो के बस काम करते रहो, कंप्यूटर के आगे बैठे रहो, तो हमें लगता था हमारा पहाड़ों से जो कनेक्शन है वो हमें वहाँ उतना सूट नहीं करने दे रहा था प्लेन्स में। इसलिए हमने सोचा कि हम वापस पहाड़ों में चलते हैं जहाँ हमारी सोल है, पहाड़ों में। इसलिए हम पहाड़ों में आए। हमने यहाँ पे थोड़ा पहले खुद आपस में डिस्कस करके इधर उधर हमने रेकी करी, पहाड़ों की घूमे, उसके बाद हमें पता चला कि यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, क्या क्या पहाड़ों में अगर हम किसी को घुमाएं तो क्या क्या हमें फेस करना पड़ सकता है। पहले हम अपने आप एक्सपीरियंस किया। वैसे हमें बचपन से ही वैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि हम बचपन से पहाड़ों में ही गांव एरिया में जाते थे, अपने गांव जाते थे, वहां भी विज़िट करके हमें सब वाइल्ड लाइफ का भी पता है और लैंडस्केप का भी पता है सब। तो हमें इतनी दिक्कत तो नहीं हुई। फिर हमने जल्द से जल्द एक साल में 6 महीने में हमने स्टार्ट कर दिया ये सारा पैकेजेस बना के हमने टूरिस्ट को ले जाना शुरू करा। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि हम दूसरे जो हमारी तरफ फंसे हुए हैं उनको हम घुमा पाते हैं, तो हमें बहुत अच्छी खुशी होती है अंदर से कि हम ऐसे बंदों को हम खुशी देते हैं और उनके चेहरे पे मुस्कान आती है हमारी वजह से। तो हमें ये काम और पसंद आया, तो हमने इसको आगे भी बढ़ाया। तो हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ करके, यहाँ सारा पहाड़ों से रिलेट होके फिर से अपना कनेक्शन कायम करके हम खुश हैं। और कोई हम बैंगलोर से आया, कोई दिल्ली से, कोई पंजाब से, कोई देहरादून, मतलब जो भी गर्म इलाके हैं और जो भी मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ से, सब ने झेल के सबने सोचा कि अब पहाड़ों की तरफ रुक करके वहाँ पे कुछ करें। तो हम इसमें सक्सेसफुल भी हुए हैं, तो लोग काफ़ी हमें सराहते हैं और खुश होते हैं कि आपके साथ हमें बहुत अच्छा लगा घूम के, आपने हमें वो एक्सपीरियंस कराया जो शायद लाइफ में प्राइसलेस है, जिसका कोई पैसे से तुलना नहीं की जा सकती, ऐसी चीज़ हम कराते हैं। तो हमें बहुत खुशी होती है। बॉर्न वाइल्ड ट्रैक्स की टीम को इवेंट्स और ओकेशंस में इनवाइट किया जाता है जहां वो जंगल सर्वाइवल स्किल्स के बारे में क्लासेस कंडक्ट करते हैं। क्लाइंट के साथ ट्रैकिंग और कैंपिंग के अलावा टीम मेंबर्स इंडियन आर्मी के साथ मिलकर कई हाई ऑल्टीट्यूड एक्सपीडिशंस भी कर चुके हैं। एज रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल टीम मेंबर्स इमरजेंसी में रेस्क्यू ऑपरेशन भी करते हैं। बॉर्न वाइल्ड ट्रैक्स के टीम मेंबर्स को हर्ब्स और मेडिसिनल प्लांट्स की अच्छी नॉलेज है जो जंगल सर्वाइवल में काम आती है। अब मैं आपको एक पौधे के बारे में बता रहा हूँ जिसका नाम है काला बांस। तो ये काला बांस ये बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है, ये एक स्पेशली फॉर एंटीडोट के लिए यूज होता है। और इसको कभी घाव में, कटे हुए घाव में या जो ओपन घाव जो लगते हैं चोट के कारण, उसमें आप इसे पीस के खूब से रगड़ के और वहाँ पे लगा दीजिए, तो ये आपका खून रोकने में भी असरदार है। ये खून रोकने में भी धीरे 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 वो उसको रिकवर पोजिशन में ले आता है अगर आप कंटिन्यूसली यूज कर रहे हो। मैं आपको एक हर्बल प्लांट के बारे में इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूँ। ये एक प्लांट है और इसका लोकल नाम खट्टी मिट्टी बोला जाता है इसको। और ये बहुत अच्छा प्लांट है, ये इम्यून सिस्टम के लिए, जब आप कभी सर्वाइवल क्लास या वाइल्ड एरिया में हो तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। इसको आप खा सकते हैं, इवन इसको कच्चा भी आप खा सकते हैं, इसको बॉयल करने की ज़रूरत है, कच्चा भी खा सकते हैं। अभी आप कुछ आपकी डिश बन रही है टैंक में, तो आप उसमें एज ए चटनी इसको पीस के, खूब अच्छी चटनी, उसमें भी आप इसका इंजॉय ले सकते हैं। अब मैं आपको एक हर्बल प्लांट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका लोकल नाम है हरियू। ज़्यादातर ये पुराने ट्रेड के जो लोग हैं वो यूज करते थे, अब की जनरेशन इतनी जल्दी इसको पहचान नहीं पाएगी। ये लीवर के लिए बहुत अच्छी इफेक्टिव चीज़ है, ये लीवर को एकदम क्लियर साफ कर देता है। बॉर्न वाइल्ड ट्रैक्स की टीम सिटी लाइफ के ऊपर जंगल लाइफ को प्रेफर करते हैं और जब भी मौका मिले अपने शहर के आसपास के जंगलों में निकल पड़ते हैं जहां वो अपनी प्रोफेशनल स्किल्स और फिटनेस को मेंटेन रखते हैं और एक सेटिस्फाइड स्मॉल टाउन लाइफ को फुली एंजॉय करते हैं। एक ऐसी लाइफ जो उन्होंने खुद चुनी, बिना किसी हेल्प के
या बिना माइग्रेशन किए। But this is a problem throughout the country, and it can only be solved and taken up by government agencies. So, and I'm sure that they will gradually become more and more aware of it. Yeah, when the young people go out and they do well, and then they feel homesick and come back home, we believe that it is a resurgence of democracy, because democracy started in the small city-states of Greece, where everyone knew who they voted for. Now, in a small town, we all know who we vote for. We do not know, we may just about know the MLA. We certainly don't find it easy to contact the MP. But if we walk on a mile, we will encounter our city board representatives all the time. This is the resurgence, the beginning of the original idea of democracy. Well, I didn't come from a small town, but now this is my home. And when I came here first, it was a small town. Today, of course, it's growing by leaps and bounds. Global networking ke is zamane mein agriculture, organic farming, tourism, heritage tourism aur adventure tourism jise kai zariye hain jisse hamara yuva varg apni jadon se jud sakta hai. Badalte samay ke ye wo young Indians hain jo badlav ke sath badle nahi balki rasta hi badal diya, apne ghar ki taraf, apne gaon ki taraf, अपनों की तरफ, सुकून की तरफ, खुले आसमान की तरफ।